आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। बिजरावगढ़ मंडल की तरफ से रखा गया है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में कमलनाथ जी की सरकार है और किसानों को इतना अन्याय और दोषपूर्ण रवैये का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी एक एक किसान को होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब हमारे मध्य प्रदेश में सरकार थी तो हमारे शिवराज सिंह हमारे किसानों को किस प्रकार की सुविधा देते थे, चाहे वो गेहूं की हरियाली का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। जब किसानों को पहले बोनस की राशि देते थे, उसके बाद गेहूं का समर्थन मूल्य की राशि आती थी। आज तक किसानों को जानकारी होगी, चाहे वो भले कांग्रेस से संबंध रखता हो, लेकिन एक भी किसान बता दे कि क्या गेहूं के समर्थन मूल्य के अलावा उनके बोनस की राशि आज तक उनके खाते में आई है। कोई भी किसान ये कहेगा कि आज तक नहीं दी गई। ऐसे मुख्यमंत्री को पद में रहना वो मैं उचित नहीं समझता। उनको तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय होते ही सब किसानों को जाके और यही कहना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देके और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, जिसमें हमारे शिवराज सिंह किसानों के हितैषी मुखिया थे और किसानों को हर समय